तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्यूरी आ रहा था कि सर मैथमेटिक्स 2 का क्या किया जाए, उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम तो बस आ गया, मात्र लगभग आपके 1 वीक बचे हुए हैं एग्जामिनेशन में, तो इस बीच में हम क्या करें, किस तरह से करें। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो आपके फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था वो आज ही है। तो लास्ट डेट आप देख सकते हैं 7 जुलाई है, जो कि आज ही 7 जुलाई है, आज लास्ट डेट आपका ख़त्म हो जाएगा। 500 चार्ज था इसमें लेट फाइन, अगर मे भी डेट बढ़ता है तो वो आपका जो फ़ाइन हो जाएगा 2000 तक के हो जाएगा। ओके, तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया वो जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लें और एडमिट कार्ड वो डाउनलोड करें और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करें। यार बात करते हैं मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का हमें करना क्या है। देखिए, जो भी मैंने अपने चैनल पे कराया है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दिया है, तो आप सबसे पहले वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन है, मैथमेटिक्स 2 का क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का भी होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी होगा, तो वहाँ से उन चीज़ों का आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी प्रॉपर आपने नोट्स बनाया, चाहे वो 2 यूनिट का हो या फिर 3 यूनिट का हो, जितने भी यूनिट का आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स को सही तरीके से प्रिपेयर कीजिए और सारे टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट लिख दिया और उस स्टेटमेंट के लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस पर रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल टाइप के आपको कर लेना है, ताकि उसका जो बेसिक है ना, बेसिक आपको क्लियर हो जाए। और अगर बेसिक क्लियर होता है तो क्वेश्चन के साथ आप थोड़ा बहुत तो कुछ छेड़छाड़ तो कर ही सकते हैं, और हो सकता है भले ही आंसर ना आए, लेकिन आप थोड़ा सा प्रोसेस अगर कर देते हैं तो हो सकता है मे बी एग्जामिनर थोड़ा सा आपको नंबर दे दे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना है एग्जामिनेशन में, और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम कूल माइंड होकर एग्ज़ाम देने जाइए, सारी चीज़ें बेहतर होगा। अगर मान लीजिए बैक लग भी जाता है तो क्या, आपको बस कोशिश ये करना है कि बैक नहीं लगे, अगर मे भी लग जाता है तो आपको क्या, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन हो जाएगा, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक देने की कोशिश करूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा एक और चैनल चल रहा है जिसमें डिस्कस विद जिशान के नाम से वो चैनल है, तो वहाँ से आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से हम लोग करियर रिलेटेड, आपके इंटर्नशिप से रिलेटेड जो जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेंगे। जितने भी इंटर्नशिप आते हैं, जितने भी जॉब आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।